प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब मरीज को इलाज के लिए आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। आपातकालीन परिस्थिति में किसी भी पहचान पत्र के साथ इलाज किया जा सकेगा। यदि कोई आधार कार्ड मांगता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार ने सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान आधार कार्ड के झंझट को खत्म कर दिया है। अब आपातकालीन परिस्थिति में मरीजों का पहले इलाज होगा और बाद में रिकॉर्ड के लिए फाइल बनेगी। मरीज के इलाज की प्रक्रिया शुरू करने में रोड़ा अटकाने वाले ऑफिसर्स और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। स्वास्थ्य महानिदेशक सूरजभान कंबोज की ओर से इस बाबत प्रदेश के सभी सिविल सर्जन और प्रधान चिकित्सा अधिकारी और साथ ही चिकित्सा अधीक्षकों को आदेश का पूरी तरह से पालन कराने का निर्देश दिया है। महानिदेशक की ओर से जारी आदेशों के अनुसार मरीज को इलाज के दौरान आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। कोई भी पहचान पत्र अस्पताल को दिया जा सकता है। यही नहीं, यदि मरीज के पास कोई भी पहचान पत्र नहीं है तो उसके इलाज में देरी नहीं होगी, बल्कि उपचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी जो उपचार नहीं करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, पहले इस तरीके के तमाम मामले आते थे, जब मरीज आता था तो पहले उससे पहचान पत्र मांगा जाता था, आधार कार्ड मांगा जाता था और बाद में इलाज दिया जाता था, जिसके चलते बहुत बार मरीज की स्थिति जो है वो काफी गंभीर हो जाती थी। अब जो सरकार की ओर से कदम उठाया गया है मरीजों के लिए, काफी बेहतरीन ये कदम, क्या कुछ कहना है जनता में? मरीजों में खुशी फिलहाल दिखाई दे रही होगी सरकार के इस फैसले के बाद। बिल्कुल, देखिए पहले जो था कि किसी भी स्थिति में जब मरीज जो है अस्पताल में कुल जाता था या ले जाया जाता था, तो उस परिस्थिति में सबसे पहले उसका पहचान पत्र की मांग की जाती थी। अगर उसके पास पहचान पत्र होता नहीं था तो उसके इलाज में देरी हो जाती थी और इसके लिए उसको काफी खामियाजा भी भुगतना पड़ता था। कई ऐसे घटनाएं भी हैं जिसमें मरीज की मृत्यु तक भी हो जाती थी। तो ऐसी परिस्थितियों को देखकर जो अब स्वास्थ्य विभाग की बात करें या सरकार की ओर से, इस तरह की व्यवस्था की गई है कि पहले जो है अगर किसी भी स्थिति में अगर मरीज अस्पताल में आता है, या चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, उसमें अगर आता है तो उसका पहले इलाज किया जाएगा, उसके बाद उसकी फाइल तैयार की जाएगी, उसके बाद जो उसके जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे उसमें पहचान पत्र हो चाहे आधार कार्ड हो चाहे किसी भी तरह का पहचान पत्र की बात करें, तो वो बाद में उनकी फाइल के अंदर अटैच होगा। पहले इलाज जो है वो प्राथमिकता जो है वो होनी चाहिए। ये आदेश जो है हरियाणा सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, तमाम जो हरियाणा के 22 जिले हैं वहाँ के सिविल सर्जनों को और जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जो अधिकारी हैं उनको दिए गए हैं कि पहले आप जो है मरीज का इलाज करेंगे, उसके बाद जो है उसका पूरा विवरण जो है फाइल तैयार करेंगे। अगर इसमें किसी तरह की कोई कोताही होती है तो इसमें है कि जो जिम्मेदार अधिकारी या डॉक्टर या जो भी कर्मचारी होगा उसके खिलाफ जो है विभागीय जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि जो सबसे पहला जो काम है मरीज का इलाज करना है और उसकी जान बचाना है। अगर इसमें कोई कोताही होगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी, इस फैसले के बाद मरीजों का क्या कुछ कहना? अगर आपकी बातचीत हुई हो मरीजों से तो काफी खुश वो दिखाई दिए होंगे, क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत मामले सामने आए हैं जिसमें मरीजों को हर्जाना भुगतना पड़ा है, कहीं ना कहीं लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की, जिसके चलते कई मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। सरकार की ओर से कदम उठाया गया है तो मरीजों से आपने बातचीत की हो? बिल्कुल, देखिए मरीजों को से जब जो अस्पतालों में जो अपना इलाज कराने के जो उनके सगे संबंधी हैं या जो भी विजिटर उस समय जो मौजूद था, उनसे जब बात करी गई तो उन्होंने इस बात का सराहना करते हुए कहा कि ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि सबसे पहले जो है उस समय जरूरी डॉक्यूमेंट्स उठाना या उस समय मौजूद रहना, ये कई बार इस तरह की स्थिति होती है कि नहीं होता है, तो कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो मरीज जो है उसको सड़क से भी लाया जाता है और उसके पहचान उसके बारे में खुद जो ले जाने वाला है उसको भी नहीं मालूम होती और उसके डॉक्यूमेंट उस समय मौजूद नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में जो है कि इलाज जो पहले हो जाए, उसके बाद जो इलाज होने के बाद जो अगर फाइल तैयार हो और उसके बाद उसके जरूरी जो कागजात हैं वो मांगे जाएं या वो मुहैया करवाए, तो उसमें काफी रिलीफ मिल जाता है। सबसे पहले जो है ये जो कदम है इसकी सराहना करते हुए जो मरीज हैं उन्होंने यही कहा कि ये एक अच्छा कदम है और जो इसमें काफी रिलीफ मिलता है, पहले जो इलाज हो जाए उसके बाद जो है फाइल तैयार हो और डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड है, कई बार आधार कार्ड मौजूदा समय में उस समय उसी दौरान जो है नहीं होता और उसको मंगवाया जा सकता है, तो ऐसा इस कदम की ज्यादातर जो है वो सराहना कीजिए।
शेख, हालांकि आदेश अभी जारी किए गए हैं, लेकिन बात करें पहले की, तो पहले भी सरकार की ओर से यही कहा गया था कि जब भी कोई भी ऐसा केस आता है जो कि आपातकाल परिस्थिति का होता है, तो सबसे पहले मरीज को ट्रीटमेंट दिया जाए, बाद में कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, लेकिन पहले ट्रीटमेंट दिया जाए। लेकिन बावजूद इसके तमाम अस्पतालों की ऐसी लापरवाही सामने आती थी कि वो मरीजों का इलाज नहीं करते थे, पहले पैसे जमा करवाने को कहते हैं या फिर पहले कानूनी कार्रवाई पूरी करने का इंतजार करते। इस तरीके के मामले पहले भी लगातार सामने आए हैं। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया था कि कानूनी कार्रवाई बाद में हो जाए, लेकिन बावजूद इसके इस प्रकार की लापरवाही, तो अब अगर इस प्रकार की लापरवाही आएगी तो क्या कुछ दंड सरकार की ओर से अब निर्धारित किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अब जो है कि उन्होंने ये साफ कर दिया है और ये प्रावधान कर दिया, इन्हीं ऐसी स्थिति को देखते हुए जो है स्वास्थ्य विभाग और सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया कि पहले मरीज का इलाज किया जाएगा और इसके सख्त जो है आदेश जो है उसको पालन करने के लिए कहा गया। तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी इस बारे में हिदायत दी गई है कि पहले जो है मरीज का इलाज जरूरी है, उसके बाद जो किसी तरह की जो डॉक्यूमेंट जो कार्रवाई है वो बाद में की जाए, क्योंकि मरीज को किसी भी तरह की जो है परेशानी ना झेलनी पड़े, क्योंकि इसमें कई बार इस ऐसी स्थिति में भी होती है जिससे कि मरीज को काफी बड़ा नुकसान आगे चल के भुगतना पड़ सकता है, अपनी जान भी उसकी जा सकती है। तो इसी तरह के जो हालात को देखते हुए ये सरकार की ओर से कदम उठाया और वहीं साफ तौर पे ये कह दिया गया कि इन आदेशों की अगर अवहेलना होती है या किसी तरह की कोताही या लापरवाही इसमें बरती जाती है तो उसके खिलाफ जो है सख्त विभागीय कार्रवाई, अगर सरकारी अस्पताल का कर्मचारी या अधिकारी है तो उसके खिलाफ जो है सरकारी विभागीय जो कार्रवाई करेगी, और वहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इस तरह की कोई अव्यवस्था रखी गई या तो उसके खिलाफ जो है अस्पताल से लाइसेंस से जुड़ी या फिर और अन्य जो विभाग उनके खिलाफ जो कार्रवाई अमल में ला सकता है जो बनती होगी। लेकिन ये है कि अब जो ये आदेश है सरकार की ओर से ये सख्ती से पालन करवाए जाएंगे, क्योंकि सरकार जो है इस समय स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो है कई कदम उठा रही है, और वहीं जो अभी पिछले दिनों जो सरकारी कर्मचारियों के लिए भी सरकार की ओर से कैशलेस स्कीम जो दी गई है, ताकि लगभग जो इस समय लाखों जो कर्मचारी हरियाणा सरकार के के अधीन जो काम कर रहे हैं उनको कैशलेस स्कीम दी है ताकि वो अपना जो इलाज है अस्पतालों में बगैर किसी एक रुपया दिए जो है वो इलाज अपना संपन्न करवा सके और उसका जो भुगतान है सरकार की ओर से किया जाएगा। जी अभिषेक, जो सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए उसको विस्तार से समझना चाहेंगे कि आपातकालीन परिस्थिति में अगर कोई भी मरीज आता है तो उसे दिखाना अनिवार्य नहीं होगा एक बार के लिए, लेकिन बाद में क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो दिखाने अनिवार्य होंगे, जो जरूरी होंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो जो इलाज के बाद जो सबसे पहला जो काम होता है वो आधार कार्ड मांगा जाता है। अमूमन देखा गया कि किसी चाहे किसी विभाग के दफ्तर में जाएं या अस्पताल में जाएं या कहीं भी हम जाते हैं या बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले जो है आधार कार्ड जरूरी माना गया है। आधार कार्ड जो है पहचान पत्र के तौर पर सबसे जो पहला एक डॉक्यूमेंट जो कहा जाए वो है और आधार कार्ड ही मांगा जाता है। उसके बाद अब जो इलाज जब चल रहा हो या मरीज के जो अभिभावक साथ हों या फिर मरीज जब स्थिति में हो कि वो बोल पाए, अपना हिल डुल पाए, अपनी किसी तरह की व्यवस्था कर पाए, तो उससे ये है कि आधार कार्ड की जो फाइल जो एक बनाई जाती है उसके इलाज के दौरान जिसके अंदर उसका पूरा विवरण होता है, तो ऐसे में उसका आधार कार्ड या जो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है जिससे कि उसकी पुष्टि हो सके कि ये व्यक्ति कौन है और इसका जो निवास स्थान कहाँ पर है और ये कहाँ का निवासी है, इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है ताकि उसका पूरा रिकॉर्ड जो है अस्पताल के पास दर्ज हो कि इसकी इलाज इस बीमारी का या इस स्थिति में इसका इलाज किया गया और उसका उसका ब्लड ग्रुप हो, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर उसके दवाइयों का विवरण या उसके जो टेस्ट हैं सारे, वो इस तरह की फाइल जो है अमूमन बनाई जाती है। लेकिन जो आधार कार्ड है वो सबसे पहले जो है जरूरी माना गया क्योंकि उसके अंदर उसका पूरा विवरण, उसका नाम और उसका अता और पता पूरा जो उसमें डिटेल्ड होती है, तो उस तरह की जो फाइल है वो अस्पतालों में अमूमन तैयार की जाती है। तो इससे जो है पहले अब सरकार की ओर से आदेशों में छूट दी गई कि पहले इलाज होगा और जब स्थिति में मरीज आ जाए कि वो अपने डॉक्यूमेंट सब मुहैया करवा सके तो उसके बाद ही जो है उसकी फाइल तैयार की जाए। जी, हालांकि आधार कार्ड फिलहाल हर जगह पर अनिवार्य है कि दिखाना होगा, साथ ही साथ हर चीज को कनेक्ट कहीं ना कहीं आधार कार्ड से कर दिया गया, लेकिन अगर किसी के पास आधार कार्ड ना हो, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी के चलते या फिर किसी भी वजह से आधार कार्ड अगर नहीं बन पाया तो उन लोगों का इलाज किस प्रकार से होगा? जी बिल्कुल, देखिए इलाज उनका बगैर आधार कार्ड होगा और इसी तरह की आधार ये व्यवस्था इसीलिए की गई है, इसमें जो सबसे पहला जो डाला गया बात वो आधार कार्ड की ही डाली गई है।
कि आधार कार्ड अगर नहीं है तो उसका इलाज पहले होगा, आधार कार्ड बाद में होगा। अगर आधार कार्ड उसका अभी उस समय नहीं है तो वो मुहैया करवाए, अगर उसका नहीं बना तो वो बनवाने की जब स्थिति में आए तो उसका बनवा के वो अपना रिकॉर्ड में वो उसको चढ़वाए। और पूरा जो है ये व्यवस्था सिर्फ इसीलिए की गई है कि इलाज जरूरी है, मरीज को बचाना जरूरी है, उसका जो उसको स्वास्थ्य सुविधाएं जो है सरकार या विभाग की ओर से पहले देना जरूरी है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाद में हैं। तो इसीलिए ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी स्थिति में अगर मरीज अस्पताल में आता है तो उसका इलाज पहले किया जाए, उसके डॉक्यूमेंट जिसमें कि आधार कार्ड जो मेन माना गया वो जो है वो बाद में वो मुहैया कराए, उसकी फाइल जो है बाद में तैयार की जाए। इस तरह की जो है ये एक बड़ा कदम जो है ये उठाया गया स्वास्थ्य विभाग की ओर से, जो कि कहीं ना कहीं जनता को एक मानसिक जो उस समय जो टेंशन जिसको कहें कि उस समय होती है कि हमारे पास इस समय कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इलाज कैसे मुमकिन हो पाएगा, तो उस टेंशन से निजात देता हुआ जो ये विभाग की ओर से कदम माना जा सकता है। आम जनता भी समझना चाहेगी कि अगर आपातकालीन परिस्थिति में कोई मरीज आया, उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन अगर कोई मरीज पहले से ही वहां पर एडमिट है उसका इलाज चल रहा है, हालांकि बाकी डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं, लेकिन अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसको जाने को कह दिया जाएगा या इलाज उसका हो पाएगा? नहीं नहीं, उसका इलाज बिल्कुल देखिए उसका इलाज पहले पूरा होगा, उसके बाद उसके जो कमी पेशी है डॉक्यूमेंट्स में वो उसको पूरी करवाने के लिए कहा जाएगा। ये ऐसी स्थिति में है कि जब इलाज करवाने के लिए मरीज पहुंचता है तो उसके पास जरूरी जो कागजात होते हैं उसके वो नहीं होते, लेकिन उस स्थिति में जो है कि ये आदेश पारित किए गए हैं कि उसका इलाज जो है अस्पताल पहले करेगा, इलाज उसका जब पूरा हो जाए या चल रहा हो, जब वो ये अपने डॉक्यूमेंट्स जो है मुहैया करवा पाए तब उसके बाद जो है उसकी फाइल तैयार हो और इस पर किसी तरह का जो है मरीज पर दबाव नहीं देने दिया जाएगा और दबाव नहीं देगा अस्पताल। पहले उसका इलाज करेगा, उसके बाद जो है उसके डॉक्यूमेंट्स उससे लेकर उसके कंप्लीट जो फाइल है वो तैयार करे, क्योंकि एक प्रोसेस होता है अस्पताल में इलाज के दौरान जिसमें एक फाइल तैयार होती है जिसमें उसके पूरा विवरण लिखा जाता है, उसका दवाई से लेकर उसकी उम्र और उसका आता पता और उसका नाम और पूरा उसके डिटेल्ड एक फाइल तैयार होती है, जिससे कि भविष्य में किसी भी तरह की उसके बारे में जानकारी अगर जुटाना चाहे अस्पताल तो वो जुटाई जा सके। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले इलाज जरूरी कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स सेकंड जो प्रायोरिटी पे रखा गया, पहला जो प्रायोरिटी जो है वो मरीज को उसका इलाज उसकी समस्या से निजात दिलाना होगा। जी लेकर तो यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि पहले इलाज ही जरूरी है, बाद में डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। पैसों की बात करें तो क्या इसको लेकर भी कोई आदेश दिया गया, क्योंकि तमाम ऐसी खबरें सामने आती है जब प्राइवेट हॉस्पिटल खासतौर पर कि वो पहले पैसे की डिमांड करते हैं चाहे मरीज मरने वाली स्थिति में हो, और बावजूद उसके बाद में कहते हैं कि ट्रीटमेंट हम बाद में देंगे, आप पहले फॉर्म भरिए, पहले इतने पैसे जमा करवाइए, तो क्या उसको लेकर भी कोई निर्देश दिए गए हैं? समय समय पर इस तरह की बात जरूर सरकार की ओर से कही जाती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो पहले जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उसको प्रायोरिटी पे रखें, जो फीस है या उनका जो भी जिस तरह का उनका रहता है व्यवस्था उसको बाद में रखें, कि उनका पैसे की बात है या फिर किसी और अन्य तरह की जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको वो सेकेंडरी रखें। ये इस तरह के जो स्वास्थ्य विभाग या सरकार की ओर से समय समय पर जो है अपील कहें या गाइडलाइंस कहें या आदेश कहें ये जारी होते रहते हैं कि पहले जो प्रायोरिटी पे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल या जो सरकारी हॉस्पिटल है वो मरीज को ट्रीटमेंट दें, पहले उसका इलाज करें, उसके बाद जब किसी और अन्य तरह की जो उनकी हॉस्पिटल की जो फॉर्मेलिटीज हैं चाहे उसमें उनकी फीस ही क्यों ना हो वो बाद में उसके लिए उसके कहा जाए। लेकिन लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह की बिल्कुल ये सही बात है कि उनकी कई बार ऐसी स्थिति होती है और कई ऐसी जानकारियां मिलती हैं कि वो दबाव पैसे का डाला जाता है, तो इस पर भी यह जो सरकार आने वाले समय में कदम उठा सकती है, कोई प्रावधान ऐसा कर सकती है, लेकिन अभी जो फिलहाल के तौर पे जो बात की जाए वो यही है कि उनके डॉक्यूमेंट की जो बात है जो मेन आधार कार्ड की बात है उससे छूट दी गई है कि पहले इलाज होगा उसके बाद जो आधार कार्ड या उसके जो पहचान पत्र अन्य जो है या फाइल जो है वो बाद में बनाई जाएगी, पहले प्रायोरिटी पे उसको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा मरीज के लिए। बहुत शुक्रिया अभिषेक ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल मरीजों के लिए यहाँ पर राहत भरी खबर हरियाणा में कि अगर आधार कार्ड नहीं है, आपातकालीन परिस्थिति है तो पहले इलाज होगा, बाद में आपको आपके डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।